तो भाई लोग कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल सलीम खान। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी टॉप 5 टिप्स देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप यूट्यूब पे ग्रो कर सकते हैं, आपका यूट्यूब चैनल ग्रो कर सकता है। दोस्तों टिप नंबर वन, आपको जो है एक क्रिएटर की तरह नहीं एक कंपनी की तरह सोचना है। जैसे कि आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो आपको जो है एक यूट्यूब की तरह सोचना है कि यूट्यूब क्या चाहता है हमसे, या फिर यूट्यूब अपने जो क्रिएटर होते हैं, जो यूट्यूब क्रिएटर होते हैं उससे क्या चाहता है। कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, चाहे कोई सा भी ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस पे हम या फिर कोई क्रिएटर वीडियो अपलोड करता है, वो प्लेटफॉर्म चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो व्यूअर हैं उनके प्लेटफॉर्म में आए और उनके प्लेटफॉर्म में रुके और उनके प्लेटफॉर्म के वीडियोज़ को देखें। और जाहिर सी बात है कि यूट्यूब भी ऐसे ही चाहता होगा कि उनके प्लेटफॉर्म में जितने भी वीडियोज़ हैं, जितने भी क्रिएटर हैं, उनके वीडियो को देखने के लिए जो व्यूअर हैं उनके प्लेटफॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रहें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एंगेज रहें। तो इसलिए दोस्तों आपको भी जो है यूट्यूब की तरह आप जब सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको जो है अपनी ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक अपनी वीडियो पे रखना है, रोके रखना है। तो आपको जो है आपकी कंटेंट पे ध्यान देना होगा, यानी कि आपको ऐसा कंटेंट बनाना होगा जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक जो है आपके व्यूअर आपके कंटेंट पे रहें। इससे दोस्तों आपके वीडियो को भी फायदा होगा और यूट्यूब को भी फायदा होगा। यूट्यूब का जो मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक जो है अपने व्यूअर को या फिर अपने जो जो ऑडियंस होते हैं जो यूट्यूब पे रहते हैं वो जो है एंगेज रह सकें। तो दोस्तों टिप नंबर वन यही है कि आपको जो है आपका कॉन्टेंट पे ध्यान देना है, आपका कॉन्टेंट ऐसा बनाना है जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक जो है आपकी वीडियो पे लोग रहें। आपका वीडियो कंटेंट अच्छा रहेगा, ज़्यादा टाइम तक लोग आपके कंटेंट के साथ जुड़े रहेंगे, आपकी वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे, तो इसका आपका भी फायदा रहेगा और यूट्यूब को भी फायदा मिलेगा। और यूट्यूब जो है ऐसे वीडियो को ही प्रमोट करेगा जो जिस पे जो है ज़्यादा देर तक ऑडियंस रहें, क्योंकि इसमें यूट्यूब का भी फायदा है और ऐसे में यूट्यूब जो है आपका भी फायदा करा सकता है आपके चैनल को ग्रो करा के। तो टिप नंबर वन, कॉन्टेंट अच्छा बनाना है, ऐसा बनाना है कि ज़्यादा टाइम तक आपके व्यूअर जो है आपके चैनल पर रहें, आपके वीडियोज़ पर रहें। अब दोस्तों टिप नंबर टू की बात करते हैं। आपने ऐसा कंटेंट बनाया जो कि ज़्यादा अच्छा है, आपने जो अपना बेस्ट है वो दिया और अपना कंटेंट बनाया। अब दोस्तों वो जो है उस कंटेंट को उस ऑडियंस तक पहुंचाना है, या फिर यूट्यूब कैसे जानेगा कि जो आपका कंटेंट है वो किससे रिलेटेड है या फिर किस टॉपिक से रिलेटेड, ऐसा कौन सा व्यूअर है जिसका इंटरेस्ट है उस कंटेंट पे, वहाँ तक पहुँचाना तो है। तो इसके लिए क्या है, आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग और आपका जो थंबनेल है, ये 4 चीज़ है, इस पर आपको वर्क करना है। यानी कि दोस्तों आपका जिस भी टॉपिक पे वीडियो है उसका जो टाइटल है, उसका जो कीवर्ड है, टाइटल पे जो कीवर्ड होता है वो एग्जैक्ट लिखना है, सही लिखना है, ताकि जो इंटरेस्ट जिस भी व्यूअर का इस टॉपिक से या फिर उस कीवर्ड से इंटरेस्ट है उस तक जो है आपका वीडियो यूट्यूब पहुँचा सके। और ये चीज़ आप कर सकते हैं अपने टाइटल पे, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और आपका टैग। इसके अलावा दोस्तों आपका थंबनेल बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। थंबनेल पे जो है आपका काफ़ी अट्रैक्टिव थंबनेल जो है आपका रहना चाहिए, ताकि आपका जो वीडियो वहाँ तक आपके किसी व्यूअर तक पहुँचे तो वो क्लिकेबल हो, यानी कि आपका थंबनेल देख के जो है उस वीडियो पे क्लिक होना चाहिए। तो टिप नंबर टू जो है आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और थंबनेल और टैग। दोस्तों टिप नंबर थ्री, जो कि काफ़ी लोग इस चीज़ को नहीं सोचते, इस चीज़ को नहीं देखते हैं, दूसरे के वीडियो से सीखना। यानी कि दोस्तों आप एक क्रिएटर हो और यूट्यूब चैनल आपने बनाया है तो आपको जो है दूसरे की वीडियो से सीखना, यानी कि कोई दूसरा बंदा सेम कैटेगरी का, यानी कि जिस कैटेगरी का वीडियो आप बनाते हो, कोई दूसरा बंदा है जिसका भी सब्सक्राइबर आपके जैसा है मगर उसका व्यू जो है आपसे ज़्यादा आ रहा है, तो आपको उससे सीखना है कि वो भाई किस तरह से जो है वीडियो बना रहा है, उसका वीडियो बनाने का टेक्निक कैसा है, क्या क्या चीज़ें जो है वो तो उसके वीडियो में यूज़ करता है, किस तरह का जो टेक्निक है वो यूज़ करता है, उसके बात करने का टेक्निक कैसा है, कैसा वो अपने वीडियो का प्रेजेंटेशन देता है, जिसकी वजह से जो है आपकी वीडियो से ज़्यादा उसके वीडियो पे व्यू आ रहे हैं। तो आपको जो है दूसरे की वीडियो से सीखना है, आपकी जो वीडियो में कमी है उस कमी को दूर करना है, और इससे जो है आपको फ़ायदा होगा, आपको जो है बेनिफिट मिलेगा कि आपका जो वीडियो कॉन्टेंट है वो बेहतर बन सके। तो दूसरे की वीडियो को देख के जो है आपको सीखना है। हो सकता है कि आपका चैनल आज जो है थोड़ा बहुत अच्छे सब्सक्राइबर है मगर आप देखेंगे कि आपसे कम सब्सक्राइबर वाला चैनल जो है उसके वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, ज़्यादा जो है वो धीरे धीरे जो है ग्रो कर रहा है, और हो सकता है कि आने वाले 1-2 महीने में वो आपसे आगे निकल जाए। तो ऐसे में जो है आपको उस चैनल के वीडियोज़ को देखना है कि क्या वो किस तरह से जो है वो वीडियो बना रहा है,
क्या इम्पोर्टेंट है उसकी वीडियो में, क्या चीज़ अच्छा है, उस चीज़ को जो है आप देख के सीख सकते हैं और अपने कंटेंट को जो है सुधार सकते हैं। अब बढ़ते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। दोस्तों टिप नंबर 4 ये है कि जब भी आप वीडियो बनाते हैं तो आपका जो कंटेंट है वो कनेक्टेड रहना चाहिए। यानी कि दोस्तों कि आप जो भी कंटेंट बनाते हैं, जो भी व्यूअर आपके वीडियो को देखता है, आपके साथ इतना कनेक्टेड रहना चाहिए कि वो आपके नेक्स्ट वीडियो पर भी क्लिक करे। यानी कि कोई बंदा अगर आपका एक कोई नया व्यूअर जो कभी आपका चैनल पे या फिर आपके वीडियो को देखा नहीं है, पहली बार जब आपकी वीडियो को देखता है तो पहला वीडियो देखने के बाद जो है उसको इंटरेस्ट होना चाहिए कि आपका वो दूसरा वीडियो भी देखे। और ये पॉसिबल है आपकी जो कंटेंट है उसकी वजह से। आपका कंटेंट अगर अच्छा रहेगा, लोगों को पसंद आएगा, तो लोग जो है आपके एक वीडियो के बाद जो है आपकी दूसरी वीडियो को ज़रूर देखेंगे। तो जैसे कि पहले बात मैंने कहा कि आपका कंटेंट अच्छा रहना चाहिए, अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश कीजिए, उसी तरह जो है जो टिप नंबर 4 है वही है कि आपकी वीडियो का जो कनेक्शन होना चाहिए, यानी कि व्यूअर के साथ आपके साथ कनेक्शन होना चाहिए। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपने जो वीडियो बनाया है उसको कोई व्यूअर आपका जो वीडियो को देखता है और उसके बाद में जो है उसको इंटरेस्ट लगता है आपकी जो दूसरी वीडियो, शायद उसी वीडियो के नीचे सजेशन में कहीं ना कहीं आपकी दूसरी वीडियो भी आई होगी। आपका वीडियो पहला जो वीडियो जिसने जो देखा है उसको अगर इंटरेस्ट लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वो गारंटी जो है आपकी दूसरी वीडियो पर जाएगा। और ऐसे करके जो है आपकी दूसरी वीडियो पर देख के जो है वो ज़्यादा टाइम जो है एक्सपेंड करेगा यूट्यूब पे, और यूट्यूब समझ जाएगा कि आपका जो वीडियो कंटेंट है वो एंगेजिंग है, यानी कि एक वीडियो से दूसरे वीडियो पे आपका व्यूअर जो है जा रहा है। तो ऐसे में जो है आपका वीडियो और आपका चैनल जो है वो यूट्यूब ज़रूर सजेशन या रिकमेंडेशन में लाएगा। अगर आपका वीडियो कंटेंट अच्छा नहीं है या फिर कनेक्टेड नहीं है, एंगेजिंग नहीं है, और कोई बंदा आपकी वीडियो को देख के स्किप कर देता है, यूट्यूब से बैक हो जाता है या फिर कोई दूसरी वीडियो पे चले जाता है, तो यूट्यूब समझ जाएगा कि इस वीडियो पे दम नहीं है, लोग जो है इस वीडियो को स्किप कर दे रहे हैं, पूरा देख नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आपका इंप्रेशन डाउन हो जाएगा और आपका वीडियो और आपका चैनल जो है यूट्यूब प्रमोट नहीं करेगा, क्योंकि यूट्यूब खुद चाहता है कि जो व्यूअर हैं, जो जो व्यूअर हैं वो यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक जो है वो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में रहे, ताकि यूट्यूब को भी प्रॉफिट हो और इसका प्रॉफिट जो है उस क्रिएटर को भी देगा यूट्यूब जिसके वीडियो कंटेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक एक व्यूअर रहेगा। दोस्तों टिप नंबर 5 जो है वो है कंसिस्टेंट, यानी कि आप जो वीडियो अपलोड करते हैं अपने चैनल पे वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, एक टाइम फिक्स होना चाहिए, एक डेट फिक्स होना चाहिए। जैसे कि आप अगर हर रोज़ एक वीडियो डालते हैं तो आपको जो है हर एक वीडियो एक पर्टिकुलर टाइम आपको सेट करना है, ताकि जो जो व्यूअर आपके साथ जुड़े, जो आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, उनको पता होना चाहिए कि आपका वीडियो जो है हर रोज़ में रोज़ एक वीडियो आ रहा है, इतना बजे आ रहा है। तो ऐसे में जो है वो एंगेज हो जाएंगे, यानी कि वो आपके वीडियो देखने के आदि हो जाएंगे, उनको जो पता लग जाएगा कि आपका वीडियो हर रोज़ में एक वीडियो आता है, तो वो जो है आपके वीडियो को वेट करेंगे और आपके वीडियो को देखेंगे। तो आपको जो कंसिस्टेंट रहना है, जिस टाइम पे आपको वीडियो अपलोड करना है वो एक टाइम फिक्स रखना है। साथ ही साथ दोस्तों आप हर रोज़ में वीडियो डाल रहे हैं, हर 2 रोज़ में डालते हैं, 3 रोज़ में डालते हैं या फिर 1 हफ्ते में एक वीडियो डालते हैं, तो उस चीज़ को जो है कंसिस्टेंट रखिए। इससे भी जो है आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपके चैनल को ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये 5 टिप थे, इसको जो है आप फॉलो कीजिए और इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए, तो आप जो है यूट्यूब पे सक्सेस होंगे, आपका चैनल जो है ग्रो होगा, आप यूट्यूब पे ग्रो करेंगे। उम्मीद है दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। इसी तरह के टिप्स और हेल्प की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। आज का वीडियो बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।